जिला कुल्लू के भुंतर द्यास सड़क पर बगीचा के पास बारिश का पानी भरा रहता था, जिससे वाहन चालकों व आने वाले लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही थी। लेकिन शुक्रवार को ऑटो यूनियन ने काफी लंबे समय से चली हुई इस खराब सड़क की समस्या को विभाग के साथ मिलकर काफी हद तक हल कर दिया। ऑटो यूनियन भुंतर के पुराने पुल स्टैंड में खड़े होने वाले ऑटो चालकों ने खराब सड़क पर गटका बिछाकर इसे ठीक किया। हालांकि सड़क में बिछाने वाला गटका लोक निर्माण विभाग ने दिया। ऑटो यूनियन भुंतर ने आज जो सामाजिक कार्य में अपनी भूमिका निभाई, उसकी सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। जिला परिषद सदस्य आशा ठाकुर ने भी ऑटो चालकों के इस नए कार्य के लिए इनकी पीठ थपथपाई है। आशा ठाकुर ने कहा कि ये समस्या काफी समय से चली हुई है, जिसको हल करने की सभी ने मिलकर कोशिश की, लेकिन कोर्ट मैटर होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस रोड की समस्या बारे सांसद प्रतिभा सिंह को भी पत्र लिखकर हल निकालने को कहा गया है। आज जो ये सड़क का कार्य शुरू किया गया है यहाँ पर, ये क्या कारण है इसका? जो ऑटो इन्होंने भुंतर जो है स्वयं यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ पर जो है सड़क का कार्य करना पड़ा। सर, इसका ऐसा है कि हम विभाग के पास बहुत बार गए, बहुत बार गुहार लगाई, लेकिन विभाग ने जो है यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया। इसलिए हम सब जितने भी ऑटो वाले हैं, हम सब ने मिलजुल के इस काम को करने की ठानी और आज यहाँ आके किया, क्योंकि इसकी वजह से जो है हमारा बहुत नुकसान हो रहा था। और भी कई जो स्कूटी चालक है, दो पहिया चालक है, वो कई गिरे यहाँ पे, उसी कारण हमारे को ये कदम उठाना पड़ा और ये चलने के लायक रास्ता बनाया। ठीक है, धन्यवाद जी। हमारे साथ जो है आशा ठाकुर जी भी हैं, जिला परिषद सदस्य। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या ये समस्या थी। नमस्कार जी, ये समस्या तो काफी टाइम से चली हुई है, आज सबसे 8-9 महीने हुए हैं। मेन है यहाँ पानी की ड्रेन नहीं है, क्योंकि बहुत पहले हुआ करती थी यहाँ पे ड्रेन, फिर अभी जो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में डाला गया, तो इसकी भी कटिंग जो हुई है, कटिंग के कारण वो कन्वर्ट बंद हो गया। फिर काफी लंबा चलता रहा ये, फिर बीच में ये यहाँ पे कोर्ट केस चले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि कोर्ट केस चलता रहेगा, जो डिसीजन जब होगा तो होता रहेगा, कम से कम ये थोड़ा सा कच्चा फील हो, ताकि टू व्हीलर थ्री व्हीलर वालों को जो परेशानी आती थी उससे झेलना पड़े। तो मैं प्रशासन से भी ये निवेदन करती हूँ कि ताकि थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दें। धन्यवाद।